समस्त सम्मानित जनता में नमस्कार। बीच भवन पर आगे की ओर कर रहे अपने बारे में बताने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। मैं पिथौरागढ़ के एक छोटे से गांव का, मैं अपने उत्तराखंड के जितने भी तीज त्यौहार हैं, रीति रिवाज हैं, चाहे वो विद्या त्यौहार हो, चाहे वो फूलदेही का त्यौहार हो, घू त्यौहार हो, हरेला हो, उन सब की वीडियोज बना के उनके बारे में बता के जो भी अपने पहाड़ को मिस करते हैं, चाहे वो किसी मजबूरी में पलायन कर गए या किसी अन्य वजह से पलायन कर गए, उन्हें अपने पहाड़ की याद दिलाता हूँ। यही मेरा प्रयास है और इस प्रयास में मुझे आप लोगों का खूब प्यार मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि एक छोटे से जनवर में मुझे आज की डेट में उत्तराखंड के लगभग 3 लाख युवा मुझे डायरेक्टली फॉलो कर रहे हैं और मुझे प्यार कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और ये बात इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि मैं उस गांव से हूँ जो अभी भी पलायन की मार तो खैर झेल ही रहा है, उत्तराखंड के सभी गांवों का हाल है। उस उत्तराखंड के मैं उस गांव से हूँ जहाँ पे जो बेसिक सुविधाएं हैं जैसे पानी, बिजली, इंटरनेट, सड़क, इनकी समस्याओं से हम निरंतर संघर्ष करते हैं। हर किसी का इंटरनेट गायब हो जाता है, थोड़ा सा मौसम खराब होने पर बिजली चली जाती है, फिर एक आध घंटे तक बिजली आती नहीं है। उस कंडीशन में भी काम करके मैं पहाड़ के जीवन संघर्ष को, पलायन के दर्द को, वहाँ के रीति रिवाज, हर एक चीज को कवर करने की कोशिश करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और आज मैं आभार प्रकट करता हूँ स्वर्गीय श्री मोहन उपेंद्र जी लोक कला संस्कृति समिति का और खासकर आदरणीय हेमंत जोशी जी का, जिन्होंने ये सम्मान के लिए मेरा चयन किया। और ये सम्मान सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, ये सम्मान उन लाखों लोगों का है जो मुझे डेली बेसिस पे देखते हैं, मेरी वीडियोस को एंजॉय करते हैं। ये सम्मान उन आमा बहू का है, वो जड़जा का है, वो काका काकी का है, वो दीदी भूली का है, जिनके किस्से, कहानियों, अनुभवों को मैं अपनी वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को दिखाता हूँ। ये सम्मान मैं उन लोगों को समर्पित करना चाहता हूँ जो पहाड़ में बसा हुआ, वो हर मेहनत कश आदमी जो पहाड़ में ही रह के अपनी आजीविका चला रहा है, वहाँ के रीति रिवाज को निभा रहा है, जिनकी वजह से असल में